क्या मामला था कि बच्चा कितने में बेचा था और क्यों बेचा था, किस हालात में बेचा आपने? हालात क्या, मुझे 3 महीने हो गए पड़े पड़े। क्या हो गया था? जी दीवार गिर गई थी, खटे में काम कर रहा था नजरना प्रेमनगर में। फिर उसने मुझे भर्ती करवाया अस्पताल में, मैं बेहोश हो गया, उसने मेरे अंगूठे अंगूठे ले लिए थे, फिर वो कागज लेके मुझे रूम पे छोड़ गया, कागज अपने साथ में ले गया। अस्पताल में गया था, बड़े डॉक्टर ने उसने मना कर दिया, थाने उसने पैसा भर दिया, थाने में गया था, थाने में भी किसी ने नहीं मेरी सुनी। फिर मैं अपने घर पे चला आया, थोड़ा बहुत गांव वालों से भी उधार ले लिया था और मकान के ऊपर ले लिया था, फिर गांव वालों को मकान का जो दिया था वो गांव वालों को दे दिया, फिर मजबूरी था जो बच्चा फिर देना पड़ गया। बच्चा कितने बेचा? 40,000 में। किसको बेचा? वो है खतोला परिवार का दिलवाने वाला है, लेने वाला भाई का। बच्चा कितने दिन का? 15 दिन का, 15 दिन का बच्चा था, इसीलिए अपने इलाज के लिए मैंने बेचा था, मेरा इलाज हो जाए। बताओ क्या हुआ है आपके पति को? हमारे पति का देहांत, चोट लग गई है और बहुत परेशानी है। हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमने एक बच्चे के गोद दे दिया, जैसे परेशानी ही पैसन को, तो हमने मजबूरी देख के हमने उसको दे दिया बच्चे। नहीं, गोद दिया है या बेचा है? ये बेचा है हमने। अच्छा, कितने में? अब जे पता नहीं है कितने। अच्छा, क्यों बेचा, तो क्या जरूरत थी ऐसी, क्या जो आपको कलेजे के टुकड़े को? अब क्या करा, अपनी हमारी अगले मजबूरी है, तो हमने बेच दिया। हाँ, क्या पैसे तो, की किस लिए जरूरत थी? किस लिए, अब हमारी अगले मजबूरी है और देव खटिया पे चरपाए पे परी परी 3 महीने ही गए पड़े हुए, तो हमने इसलिए बेच दिया मजबूरी देख के। हाँ, तो उस पैसे से क्या कराएंगे, इलाज कराएंगे, क्या कराएंगे? अब इलाज होंगे, अब जो किस्मत में होंगे वो होने हैं। अच्छा, कुछ कर्जा भी हो गया था लोगों का? हाँ, कर्जा हो गया, कोई रिश्तेदारी ने साथ ना दिया, उससे हमने पैसा मांगा कि तुम 5,000 रुपया मदद कर दो हमारी, तो उसने मदद नहीं किया हमारी, उसने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है इतने पैसे हम दे पाएंगे, तो हमने कही चलो हम हमारी औलाद है हम बेच दे रहे हैं, हम इलाज करा लेंगे अपनी परिवार को, और हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कहाँ से खवा लेंगे इतने। हम हमारी ससुर है, उसकी तो सास की बीमारी है, हमारी सास ऐसी है कि कमाए ना पाएंगे। क्या क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मदद करें आपके पति के इलाज के लिए? क्या चाहती कि पति का इलाज कराया जाए, क्या किया जाए? अब जो उनकी इच्छा हो सब पूरी कर दे। नहीं, आप तो ये चाहती ना कि पति का इलाज हो जाए, जिससे वो ठीक हो जाए, परिवार पाल सके। पैसा दे दे और क्या करें, इलाज भी करा दे सरकार। हाँ, बड़ा बच्चा था जो आपने बेचा है, और कैसा लगा जब आपने दिया था, क्या आपको बड़ा बुरा लगा होगा? अब क्या करे, तो बुरा लगा तो क्या करे, अब तो बेचना ही पड़ा, मजबूरी थी और अपने अगले मजबूरी। कितने दिन का बच्चा था? 15 दिन का। देखा जाए 15 दिन के बच्चे को गोद दिया जाना, माँ से अलग किया जाना, ये इनह्यूमन है, गलत है ये। और इसके साथ इसकी जो मजबूरी आर्थिक पैदा हो गई थी, वो इसके साथ एक बड़ी समस्या रही है। ये तथ्य कल ही हम लोगों के संज्ञान में आया है, गोदनामा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के संज्ञान में आया है। अब इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि इस आदमी को हम लोग ले आए हैं, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और ये संभावनाएँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसे ठीक करा करके इसके स्वास्थ्य को ठीक करें, इसे खड़ा कर सकें, और जो इसके पैर में पैरालिसिस हो गई है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इस संबंध में हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई और हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी धनराशि की मांग कर रहे हैं। मुझे आश्वासन मिला है कि जितनी भी धनराशि मांगी जाएगी इसमें उपलब्ध हो जाएगी, इसके इलाज के लिए कोई समस्या वित्तीय नहीं आने पाएगी, तो इसको हम लोग यहाँ से किसी अच्छे अस्पताल को भी रेफ़र कर सकते हैं और शासन की अनुमति से, तो इसके रिस्टोर करने के लिए कि पुनः खड़ा हो जाए, अपना काम करना शुरू कर दे, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, इस कार्य को हम लोग इसमें लगेंगे। दूसरा ये कि परिवार को आर्थिक सहायता सहयोग संस्थाओं के माध्यम से या अन्य सिविल सोसाइटी के लोगों के माध्यम से, अन्य नागरिकों के माध्यम से भी मैं दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि कम से कम 6-7 महीने तक इसको आर्थिक समस्या न उत्पन्न हो। SDM बहेड़ी को मैंने कहा है कि कल जाएँ
और जीवन लाल से संपर्क करें और उनसे कहें, उनको ले आएँ, उनसे कहें भाई गलत है, ये इनह्यूमन है, ये अमानवीय है बच्चे को अलग करना। अगर आप ले गए हो आर्थिक इस कारणों से, तो हम उस आर्थिक कारणों का समाधान कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि चूँकि हर स्वरूप तभी विकलांगता की स्थिति में है, इलाज उसका होगा, उसकी पत्नी को कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट ग्राम स्तर पर हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे, या तो रसोई में जो विद्यालय की रसोई होती है, या किसी प्रकार का कार्य जो वो कर सकती है वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उसको एक रोज़गार का माध्यम उसके सामने उपलब्ध हो जाए। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कल हम प्रयास करेंगे ये बच्चा इसकी हर स्वरूप की पत्नी के पास वापस आ जाए जिससे पहले था।